हेलो गाइस, माय नेम इज समीर। आपका हमारे चैनल होम ऑडियो सिस्टम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि हमारा जो एम्पलीफायर है हमारे सब वूफर को बढ़िया आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। ये मैंने वीडियो बनाई है, मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि उसके पास सोनी का एम्पलीफायर है और JBL का वूफर है, लेकिन उसको आउटपुट अच्छी नहीं मिल रही, इसके क्या कारण हो सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। चलो भाई, इसके कई रीज़न हो सकते हैं कि हमारे एम्पलीफायर को अच्छी आउटपुट क्यों नहीं अच्छी दे रहा है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहली बात भाई, हमारी बैटरी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी बैटरी इसके हिसाब से पूरा करंट देगी, इसके एम्पेयर पूरे करेगी तो बढ़िया है। अगर आपकी बैटरी खराब निकलेगी तो कैसे चलेगा। सबसे पहले आपकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए भाई। अगर आपकी बैटरी ख़राब है तो भाई ये बेचारा क्या करेगा। इसलिए पहले हम आपकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी कम से कम 80 एम्पीयर की तो होनी चाहिए। 70 आम ही गाड़ियों में 100 एम्पीयर तक होती है बैटरी, 80-70 ऐसे एम्पीयर की होती है, वो अच्छी रहती है हमारे को चलाने के लिए। भाई पहला रीज़न तो हो गया हमारी बैटरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बैटरी अच्छी नहीं है तो आपका एम्प भी ख़राब हो सकता है भाई। और दूसरा रीज़न भाई हमारा क्या आ जाता है कि हमारी एम्प क्यों नहीं आउटपुट अच्छी दे रहा है बूफर को। इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि हमने अपने एम्पलीफायर की सेटिंग नहीं अच्छे से की हुई है, वॉल्यूम नहीं सेट की हुई है, फ्रिक्वेंसी नहीं सेट की हुई है, जो DB वगैरह नहीं सेट किया हुआ है। ये इससे भी भाई होता है, इससे भी भाई कि एम्पलीफायर अगर सेटिंग नहीं अच्छी हुई तो भाई बूफर को क्या ये आउटपुट देगा। इसलिए सबसे पहले हमारी सेटिंग अच्छी होनी चाहिए भाई। मुझे सेटिंग नहीं करनी आती, लेकिन मैं आपको बता देता क्या सेटिंग होती है इसकी। आपके बूफर के हिसाब से होती है भाई सेटिंग, हर बूफर की अलग अलग होगी भाई। कई कई बूफर की होती है सेम, लेकिन हर बूफर की अलग अलग होती है भाई। तीसरा रीज़न हमारा आ जाता है कि हमारा जो स्टीरियो है, आउटपुट देने वाला स्टीरियो नहीं भाई अच्छी आउटपुट कभी कभी देती है, इससे भी फर्क पड़ जाता है। क्वालिटी का फर्क पड़ जाता है स्टीरियो की, क्योंकि स्टीरियो अच्छा नहीं है इसलिए आउटपुट अच्छी नहीं दे रहा है, ये भी भाई होता है रीज़न। और भाई चौथा रीज़न आ जाता है हमारा सबसे मेन, हमारी वायरिंग ये वाली जो भाई, हमारी वायरिंग कम से कम इतनी मोटी होनी चाहिए। ये जो प्लस और माइनस, ये B12 और भाई ये जो दो और रिमोट वायर वगैरह, रिमोट वायर तो भाई पतली भी चल जाती है, लेकिन जो माइनस वाली होती है ना, ये थोड़ी सी वायर मोटी चाहिए होती है और प्लस वाली थोड़ी सी मोटी चाहिए होती है। इससे भी भाई बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी वायरिंग मोटी, मतलब कि मोटी नहीं है, तो भाई आपको आपके मतलब कि एम्पलीफायर को पूरा करंट नहीं जा पाएगा बैटरी की ओर से। एम्पलीफायर फिर अच्छी आउटपुट क्या देगा, आउटपुट ही दे पाएगा अच्छी। इसलिए भाई पहले आपकी वायरिंग अच्छी होनी चाहिए। और भाई पांचवी बात आती है, जो हमारी सब वूफर को वायर जा रही है वो कैसी है भाई। वो भाई ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक ठाक होनी चाहिए। जो नॉर्मल वायर चलती है ऐसी वाली, ये वाली भाई ये वाली वायर लंबी है, अगर मतलब के लंबी है तीन चार मीटर से ज़्यादा लंबी है तो जी भाई करंट रास्ते में ही खा जाएगी, आपके जो सब ऊपर को जाने वाली वाला करंट है भाई ये खा जाएगी। इसलिए भाई ये वायर ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, सब ऊपर एम्प के पास ही रखो भाई। ये सबसे बढ़िया सलाह दे रहा हूँ आपको भाई, सब ऊपर को एम्पलीफायर के पास ही रखो भाई। ये वाली वायर जितनी आप लंबी करोगे आपका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स उतना कम होगा, आपके सब ऊपर को उतनी कम पावर मिलेगी। इसलिए भाई ये वायर छोटी होनी चाहिए, कम से कम दो तीन मीटर की बस, इतनी इससे ज़्यादा लंबी रखोगे तो भाई नुकसान ही है, रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा भाई। ये होते हैं भाई कारण हमारे सब वूफर
आपको अच्छी मतलब के आउटपुट नहीं दे पाता, ये कारण निकलते हैं हमारे एप्लीकेशन के। और भाई दूसरा अगर इससे इससे अलावा और कोई कारण होते हैं भाई, वो है हमारा एप्लीफायर ही ख़राब हो सकता है भाई। अंदर इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह उड़े हो सकते हैं, इसके मोसफेट उड़े हो सकते हैं वगैरह वगैरह। इसको भाई अगर इससे भी नहीं बात हो बनती है भाई, इसे एक बार अपने एप्लीफायर को चेक कराना कि इसके रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं, इसमें इसके मोसफेट वो सही है कि नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर बुरी लगी तो डिसलाइक करना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। आओ मोड़े आ किसी तो जट मुड़े आई नी, कहते रोकना मैनू मैं जे तुरे आई नी। बूंगा बूंगा बात कोटियां ड्रीम साइड।